सोचा देखते हैं, आज तीन स्टॉक अपन देख लेते हैं जिसमें काफ़ी पोटेंशियल लग रही है कि आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर ये अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जैसा चार्ट का जैसा मतलब उनका चार्ट लग रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर है और काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है, वॉल्यूम भी अच्छा है। और इसमें से पहला स्टॉक है रोशेल डिकोर। तो दोस्तों इसका चार्ट देखोगे अभी आप लोग तो काफ़ी जैसे एक ही जगह पे 319 के आसपास है, मतलब 320 के आसपास एक कंसोलिडेशन कर रहा था। पहले एक बार इसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके ये 244 तक आया, पर उसके नीचे नहीं जा सका। उसके नीचे इसने अपना सपोर्ट बनाया 244 का, और यहीं से वापस अप एंड डाउन करता हुआ फाइनली वापस अपने बैक टू हाई पे आ गया। अभी इसमें काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट कैंडल जो आज इसने आज की बनाई है उसमें वॉल्यूम देखो दोस्तों, वॉल्यूम इतना सुपर आया और कैंडल बिल्कुल थोड़ा सा क्रॉस करके ऊपर ही है, मतलब ऑलमोस्ट इसने इसके बिल्कुल हाई पे क्लोज किया है। सो पूरी उम्मीद है आने वाले एक हफ्ते के अंदर मिनिमम मिनिमम, मैं तो कल तो बोलता हूँ इसका ब्रेकआउट आएगा आएगा, और उसके बाद एक हफ्ते का इसका टारगेट जो होगा वो मिनिमम मिनिमम इसका लास्ट हाई होगा जो वो होगा 400 रुपये। इससे पहले तो स्टॉक के रुकने वाला नहीं है दोस्तों। सो पूरी पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देने के और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने के। सो दोस्तों कल आप इसमें ट्रेड बना सकते हो अगर ये इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद इसकी 15 मिनट की कैंडल देख लेना दोस्तों। इसमें मिनिमम मिनिमम 15 मिनट या 5 मिनट जो भी चिचाड़ा फॉलो कर दो, अगर 5 या 15 मिनट की कैंडल ऊपर अच्छे से क्लोज कर दे और उस क्लोज का हाई ब्रेक करे तो उसका बाइंग पोजीशन बना लो दोस्तों। और अपना मिनिमम एसएल 319 नहीं 315 रखो, एटलीस्ट 15 रखो, वो भी क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। कभी कभी होता है दोस्तों ब्रेकआउट देता है उसके बाद इमीडिएटली बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, जहाँ से इसने ब्रेक किया था उसको थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पर रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। सो आप मिनिमम इसका अपना एसएल 315 के आसपास रखो, इतना तो मिनिमम आपका होना चाहिए, इतना एसएल होना चाहिए वो क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। अदरवाइज स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी चांस है इसके ऊपर जाने के, और मुझे लगता है मिनिमम मिनिमम अगर इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन किया तो 400 से पहले रुकने वाला नहीं। तो ये है दोस्तों मेरा पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक है हिंद पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोल। अभी तो मालूम है पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है, गवर्नमेंट भी डिस्काउंट दे रही है, फिर भी स्टॉक में देखो दोस्तों अभी जो आज का चार्ट है सिंगल कैंडल हाई वॉल्यूम और अपना जो लास्ट लो है इसने मतलब काफ़ी देर से जहाँ पे कंसोलिडेशन करा था उसको ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। अभी इसको ब्रेकआउट बोल दीजिए अभी, क्योंकि इसका ब्रेकआउट में इसको इसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल कर रहा क्योंकि इसके ऊपर जो उसका नेक्स्ट असिस्टेंट है काफ़ी क्लोज में हुआ 356। सो दोस्तों कल वेट कर लेना, अगर ये पहले 356 के आसपास भी आता मैं तो बोलता हूँ इसके ऊपर ही अगर कोई कैंडल निकलती है उसमें आप बाइंग कर लो, और कम से कम ज़्यादा नहीं 335 के आसपास का स्टॉप लॉस रखो। आपको 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस पड़ेगा, पर मुझे लगता है ये 356 को भी ब्रेक करके 388 की तरफ चलना चालू पड़ेगा। सो आपका इजी, अगर आप अपना प्रॉफिट रेशियो देखोगे तो 1:2-2:3 तो आएगा, इतना तो आपको मिल ही जाएगा। मेरे को लगता है जिस हिसाब से चार्ट का स्ट्रक्चर है ये ऊपर ही जाएगा, तो मिनिमम आपका एसएल 335 होना चाहिए और 345 के ऊपर निकलते आप बाइंग करो। 356 पे थोड़ा देख लेना, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम रुके या हो सकता है इसको इमीजिएटली ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, पर मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर 388 आपको दिखाई देगा। एक दो हफ्ते भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 2-3 हफ्ते लगेंगे इसको, ज़्यादा नहीं लगेंगे। जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम के साथ दिया है डेफिनेटली ऊपर ही आएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में भी। और अपना जो थर्ड स्टॉक है वो है नाहर इंडिया एंटरप्राइजेस। इसके चार्ट को देखो दोस्तों, बड़ा स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। आज भी इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, सेलिंग आई, पर वापस बायर्स इसमें एक्टिव हो गया जो इसको वापस ऊपर ले जाके एकदम हैंगिंग मैन जैसी कंडीशन बना ली है। और मुझे लगता है इस बार ये ब्रेकआउट देके ही रहेगा। इसका जो लास्ट हाई इसने इसको टच किया था हाई, वो दिन था 5वां महीना 8वां, ओके। और उसके बाद काफ़ी दिनों या महीनों के कंसोलिडेशन के बाद में अभी फाइनली वापस वहाँ पे जा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है फर्स्ट टाइम नहीं कर सका, सेकंड टाइम नहीं कर सका, पर थर्ड टाइम ये डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट देगा। और 148 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होता है दोस्तों तो इसे बाइंग कर लो, क्योंकि ओपन स्काई है। अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, ऑल टाइम हाई 100 के नीचे गया ही नहीं, काफ़ी बार इसने इसको ब्रेक किया पर वापस ऊपर आ गया। देखिए
तो मतलब 100 के नीचे ये जाएगा नहीं, अभी इसको ऊपर ही जाना है, तो ओपन स्काई में जाने वाला है, ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो मिनिमम 200 का टारगेट करंटली तो मान लो, जब 200 के पास पहुंचता है तो उसके बाद उसको रिव्यू करना, उसको रिव्यू करेंगे कि देखते हैं कि और ऊपर जाने में इसमें और कितनी पोटेंशियल है, और उस टाइम चार्ट को और स्टडी करेंगे, देखेंगे चार्ट इसको कहाँ तक ले जा सकता है, पर अभी जो करंट सिचुएशन है देख के ऐसे ही लगता है कि डेफिनेटली ये एक दो दिन के अंदर ही ब्रेकआउट दे दे, तो हो सकता है कल ही दे दे जिस हिसाब से आ रहा है, और पूरी उम्मीद है 200 तक जाएगा, ये यहाँ के आसपास ज़्यादा दिखाई रहा है। सुधो से तीन स्टॉक में बड़ा ध्यान रखना, रोशल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रो हो गया, और ये नहार इंडिया एंटरप्राइजेस हो गया, इन तीनों स्टॉक में बड़ी पोटेंशियल है, और डेफिनेटली ये तीनों अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, टेक केयर, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.